वहीं अयोध्या में रामनवमी के त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। रामनवमी के मौके पर रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें 4 मिनट तक तिलक करेंगी। इसको लेकर रामलला के परिसर में सूर्य तिलक का सफल परीक्षण किया गया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को तैयार किया। अब 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के दिन सूर्यदेव रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इसके लिए सूर्य की किरणों को 3 दर्पण के जरिए अलग अलग एंगल में डायवर्ट किया जाएगा, फिर इसे पीतल की पाइपों के जरिए आगे गुजारा जाएगा। और अब चलते हैं वायरल वर्ल्ड में, जहां सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी सवारियों को ढोने के लिए होती है, लेकिन जब इसे ट्रक बना दिया जाए तो जरा सोचिए कैसा नजारा होगा। देखिए इस वायरल रिपोर्ट में। तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो 100% सच है, और ये भी सच है कि ये कोई ट्रक नहीं बल्कि कार है। वो कार जिसे इस शख्स ने मॉडिफाई किया है, वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से। वो क्या है ना कि इस शख्स को अचानक अपना घर शिफ्ट करना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह अपने घर का सामान ले जाना पड़ा। घर अचानक बदलने की वजह से उसे समय पर पैकेट्स एंड मूवर्स वाले नहीं मिल पाए। अब ऐसे में ये क्या करता, परिवार को बैठाया और कार की खुली जगह पर घर का पूरा सामान रख कर निकल पड़ा। इस गाड़ी में बेड, सोफा, गद्दा, साइकिल, किचन का पूरा सामान लदा है, और इसे इतने अच्छे तरीके से बांधा गया है कि किसी भी सामान के जमीन पर गिरने की जरा से भी गुंजाइश नहीं है। अक्सर आपने इंसानों को तो मिमिक्री करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी पक्षी को अपने मिमिक्री करते देखा है? अगर नहीं तो आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां एक पक्षी पुलिस की मिमिक्री कर रहा है। देखिए वायरल रिपोर्ट। अपराधियों पर नकेल कसने वाली पुलिस की नाक पर इन दिनों एक पक्षी ने दम कर रखा है। इंग्लैंड के एक शहर में पुलिस के अफसर एक चिड़िया की वजह से परेशान हो गए हैं। दरअसल वो चिड़िया पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज हूबहू निकाल लेती है। पक्षी इतने शानदार तरीके से पुलिस सायरन की आवाज निकाल रही है कि टेम्स वैली पुलिस के अफसरों को लग रहा है कि उनकी गाड़ियों में कोई खराबी आ गई है। ये वाकया बिसेस्टर पुलिस स्टेशन के पास हुआ, जहां सड़क पर गश्त करने वाली पुलिस टीम तैनात थी। पुलिस ने घटना को 100% सच बताया। वीडियो वायरल होने पर कई यूजर्स ने पूछा कि क्या पक्षी विशेष शाखा या उड़ान दस्ते का हिस्सा था जो ट्रेनिंग लेकर सायरन की आवाज निकाल रहा था। अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की, जिससे हर कोई डरता है, लेकिन सवाल ये कि जंगल के राजा शेर को कोई डरा सकता है क्या? क्या वो किसी के खौफ से भागने को मजबूर हो सकता है क्या? लेकिन इस वायरल वीडियो में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखिए, ये है जंगल का राजा, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाता है। एक गर्जना से सभी जानवर सिहर उठते हैं। कोई भी शेर के सामने फटकने की कोशिश नहीं करता। हर जानवर खुद के जान की दुआ मांगता है, लेकिन इसी जंगल में कोई ऐसा भी है जिससे ये राजा डर रहा है, अपने कदम पीछे हटा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि नेवले जैसा छोटा सा जीव भी शेरों को खदेड़ सकता है? शायद ही आप मानेंगे, लेकिन ये सच है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अमूमन आपने सांप और नेवले की लड़ाई का वीडियो देखा होगा, लेकिन हम आपको शेर और नेवले की भिड़ंत का वीडियो दिखा रहे हैं। शेर का सामना नेवले से हो जाता है। नेवले को देखकर शेर की हालत खराब हो जाती है और वो उससे डरकर भागने लगता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3 शेर खड़े हैं, तभी बिल में से एक नेवला निकलता है और शेर को आंखें दिखाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो उस पर हमला कर देता है। शेर पहले नेवले के हमले से बचता है और फिर वो उससे डरकर भागने लगता है। तो खैर, शेर की डर को तो आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बाघ किस दर्द के कारण चीख पड़ा अचानक से। देखिए ये वायरल वीडियो। सोशल मीडिया पर 16 सेकंड का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपको नजर आ रहा है एक बाघ और उसके मुंह के आसपास नजर आ रहे हैं 3 जोड़ी यानी कुल 6 हाथ, जिनमें से एक ने तो अपने हाथ में हथौड़ी पकड़ रखी है, तो वहीं 4 हाथ बाघ के सिर को ऐसे दबोचे हैं जैसे आज तो ये उसका काम तमाम करके ही रहेंगे। बाघ चिल्लाता है, दर्द से कहराता है, लेकिन हथौड़ी वाला हाथ आगे बढ़ता है।
उसके मुंह के अंदर दांतों के बीच जोर जोर से वार करता है और फिर कुछ निकाल कर फेंक देता है। दरअसल इस बाघ के मुंह में किसी जानवर की हड्डी का टुकड़ा फंस गया था, जिसे निकालने के लिए पशु चिकित्सक की टीम आई और फिर जाकर इस बाघ को दर्द से आराम मिला। अक्सर सोशल मीडिया पर हमें कुछ ऐसे वीडियो भी मिल जाते हैं जिन्हें हम बार बार लूप में देखते हैं। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है हाथियों का, जिसमें वो एक वीडियो में तो एक दूसरे की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरे में एक दूसरे से झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। परिवार हर किसी का होता है, अब वो चाहे इंसान हो या जानवर। परिवार की रक्षा के लिए जानवर किसी से भी लोहा लेने से नहीं डरते। सोशल मीडिया पर हाथियों का दो वीडियो वायरल हो रहा है। पहले वीडियो में हाथियों का एक झुंड जंगल में चहलकदमी कर रहा होता है, जिसमें हाथी का एक बच्चा भी शामिल होता है। तभी दूर से शेर दौड़ता हुआ आता है शिकार करने, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा के लिए पांच हाथी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं दूसरे वीडियो में दो हाथी ऐसे लड़ते हैं और एक दूसरे पर अटैक कर गिरा देते हैं, जैसे कोई सगे भाई झगड़ा कर रहे हो। एक हाथी का बच्चा गिरता है तो माता पिता आगे आते हैं, उसे सहारा देकर उठाते हैं और उसके साथ खड़े नजर आते हैं। और अगला अनोखा वायरल वीडियो है चीन का, जहां एक झील है जिस पर बनी सड़क पर आए दिन पानी आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। दोनों तरफ झील और बीच में सड़क, सड़क भी ऐसी जिस पर भरा है पानी। इस पर से होते हुए बाइक, कार और जीप फर्राटा भरते हुए निकल रहे हैं, ना गिरने का डर और ना ही पानी खुद पर पड़ने का। वायरल हो रहा ये वीडियो चीन के योंगशियू काउंटी का है, जहां पेयोंग नाम की एक झील है, जिसमें पूरे साल भर बीच बीच में बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से इसका पानी सड़क पर आ जाता है। पेयोंग झील चीन की सबसे मीठे पानी की झील है, जिसमें बरसात के मौसम में शुरुआत के साथ हर साल मई के अंत तक पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगले कुछ महीनों तक ये सड़क सतह से ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर गहराई में रहती है। अक्सर हम पार्टी करते हैं चेयर टेबल लगाकर, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को पार्टी करते हुए देखा है, वो भी चेयर टेबल लगाकर? नहीं देखा है तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। इंसानों की पार्टी आपने खूब देखी, मस्ती और डांस भी देख लिया, अब जरा नजरें इनायत करिए जानवरों की पार्टी पर। ये है पांडा फैमिली जो जंगल में कर रहे हैं पार्टी। इसके लिए बाकायदा कुर्सी और टेबल भी लगी, जिस पर बैठकर ये चार पांडा उठा रहे हैं गन्ने का लुत्फ। बड़े आराम से पहले गन्ना छीलते हैं, फिर धीरे धीरे करके रस का आनंद लेते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं। कोई लिख रहा है ये पांडा का लंच टाइम है, तो कोई कह रहा है कि जिंदगी हो तो ऐसी। अब ये वीडियो कहाँ का है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। चलिए, पांडा को तो लंच टाइम आपने देखा, लेकिन अब जो वायरल वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा कि ये सच है या फिर सपना। देखिए ये वायरल वीडियो। ना ही ये कोई पेंटिंग है और ना ही सपना, ये वो हकीकत है जिस पर विश्वास करना शायद ही मुश्किल हो। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जहां दुनिया भर की नदियां प्रदूषित हो गई हैं, तो वहीं एक ऐसा देश है जहां पानी आईने की तरह साफ है, इतना क्रिस्टल क्लियर कि एक बारगी तो लगता है कि ये कोई पेंटिंग है। लेकिन नहीं, यहां पानी की सतह पर जब नाव चलती है तो पानी के अंदर का सारा संसार साफ नजर आता है। ये है दुनिया का सबसे साफ पेसुपोक झील, जो इंडोनेशिया के बंगगाई द्वीप पर स्थित है और ये सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र भी है, लेकिन इसे छूने पर बैन है। दरअसल इस झील में स्थानीय लोगों की काफी आस्था है और वो इसे पवित्र मानते हैं। ऐसे में इस झील में किसी के भी उतरने और तैरने पर प्रतिबंध है।